याद साथ में लेके घूम रहा हूँ मैं, सारी प्रॉपर्टी बेच दूंगा मैं। सोहेल भाई, आप मेरे को कहते थे ना तू शराबी की एक्टिंग अच्छी करता है, आज मैं एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ, सचमुच पी के आया हूँ। क्योंकि मेरे को पता चला मल्लिका जी आ रही है, मैंने कहा 4-5 पैग मारते हैं, 6-7 मल्लिका नजर आएगी। फिर मेरे दिमाग में आइडिया आया, मैंने 1 पैग कम मारा, मैंने कहा 1 पैग कम मार लो, क्योंकि मल्लिका चाहे 1-2 कम नजर आ जाए लेकिन अर्चना 8-8, 10-10 कौन बर्दाश्त करेगा। आपकी वो फिल्म आई थी मर्डर, और जिसमें गाना था बीके होड़ तेरे सारी रात वो पानी की टंकी, व्हाटएवर, यू आर जस्ट माइंड ब्लोइंग, यू कैन लव मी आल्सो। मैंने वो आपका गाना 50 बार फॉरवर्ड करके देखा, बिकॉज मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता किसी के साथ में। हाउ मच आई लव यू, सो नाइस ऑफ यू। एक्चुअली आपको पता है मैं दारू क्यों पीता हूँ? मैं अपनी बीवी से बड़ा दुखी हूँ। सर इतनी बेवकूफ हो रही थी, कल मैंने उसको कहा, मैंने कहा भिंडी बना के लाया, तरी वाली भिंडी लेके आ गई। आपको पता है सोहेल भाई, दारू पीने के बाद तरी वाली भिंडी और सरगुन जैसी बीवी कौन बर्दाश्त करेगा। और मैं एक बात बोलूं, दहेज क्या ले गई, दहेज के साथ साथ एक भाई ले आई अपना, कहती दहेज का ख्याल रखेगा। अब साला 4 चम्मच एक कढ़ाई के लिए भाई ले गए, मैं को उठा अपने चम्मच। टीवी इतना गंदा दिया, इतना सड़ा हुआ सड़ेला टीवी दिया मेरे को, मैंने टीवी में केबल तार लगवाया, टीवी में फोटो ही ना आए, टीवी गर्म हो जाए। मैंने इसके मायके से मंगवाया मैकेनिक, कहते सर जी फोटो कहाँ से आएगी, आपने माइक्रोवेव में तार लगा रखी है। कहता हमने तो दहेज में टीवी दिया ही नहीं। फिर इसके बाप ने शर्म के मारे मेरे को टीवी दिया, इतना सड़ा हुआ टीवी, उसमें आज भी आप एक था टाइगर लगा के देख लो, भारत भूषण हीरो आएगा उसमें। इतना गंदा टीवी दिया मेरे को। वैसे मल्लिका, आपकी वेरी फर्स्ट फिल्म जो मैंने देखी ख्वाहिश, उसमें इनके लिए जोरदार तालियां, 17 किसिंग सीन उन्होंने किए, इतना अच्छा किसिंग का माहौल चल रहा था, बीच में थोड़ी सी स्टोरी डाल दी आपने, काम खराब कर दिया। यू नो मल्लिका, दुनिया बहुत कमीनी है, ये कृष्णा है ना दारू पी के पता नहीं क्या क्या बोलता रहता है, मेरा अर्चना के साथ अफेयर है, ये है मेरा, ऐसा कुछ नहीं है। अजी सुनते हो, 2 मिनट ठहर जाना। ये दुनिया इतनी कमीनी, कहता है अर्चना का अफेयर है मेरे साथ, मैं भगवान कसम खा कहता हूँ कोई अफेयर नहीं है, वी आर जस्ट पार्ट टाइम लवर, नथिंग एल्स। क्या है जी सुनते हो, देख लो 5 साल हो गए शादी को, इसको अभी तक पता ही नहीं चला, मैं सुन लेता हूँ मैं। फालतू की बकवास हो गई तुम्हारी, चलो मुझे चाकू दो, मुझे सब्जी काटनी है। भाई देखा कितना नेचुरल बोली है, यदि चाकू से सब्जी काटनी है, मेरे को पहले से शक था ये साले कलाकार है ही नहीं, सब्जी काटने वाली उठा के ले आए, एक सब्जी काटने वाली, दूसरा वो कानों में से मैल निकालने वाला। बड़ा नया टैलेंट ढूंढ के लाया, वो ये गुब्बारा सा जो रजीव मेरा बैठता है, कहते हिडन टैलेंट ढूंढ के लाए, अरे ढूंढोगे क्या, वो छुप सकता है साला कहीं। सर दुनिया में कोई किधर भी गोली चलाए उसको लगती है। एस्ट्रोनॉट है ना, एस्ट्रोनॉट जो ऊपर जाते हैं चंद्रमा पे, उनको बोले आपको क्या नजर आ रहा है, कहते एक चाइना की दीवार, दूसरा जी मेरा नया टैलेंट की। जीजा हाँ, क्या बोल रहा था तू मेरी बहन के बारे में? ए अपनी बहन को चक्कू दे साले, सब्जी काटनी उसको। अरे दीदी मुझे इस आदमी से सख्त नफरत है। ए रिश्ता लेके कौन आया था भाई घर पे? मैं ही आया था ना, सॉरी। अबे साले शुक्र कर उस दिन मैंने 2 पैग मारे हुए थे तेरी बहन को देखने से पहले, और इसलिए मैं हाँ करके आ गया, मेरी आदत ही ऐसी है, 2 पैग मारूं तो मेरे को ये भी मल्लिका शरावत लगने लगती है। एक तेरी बहन है, चाहे 4 पैग मार लूं ये साली दित्ते पंजोली लगती गंजी कहेगी। ए जीजो, क्या रे? मेरी बहन के बारे में एक भी लफ्ज गलत नहीं बोलने का जीजो। ए साले सड़े हुए प्रेम चोपड़े, पीले उठ के बात कर। सोहेल भाई बंधन फिल्म आई थी, सलमान भाई जैकी श्रॉफ को क्या कहते थे कि जो मेरे जीजा जी कहेंगे मैं उनकी सुनूंगा। साले वो सलमान खान होके जैकी श्रॉफ की सुन सकता है, तू मुबीन होके कपिल की नहीं सुनेगा तू? हार गए। ए क्या नाम है तेरा? गलत था, सर्वगुण। चल पैग बना जाके मेरा। मुझे कोई पैग वैग बनाना नहीं आता, इतना ही पैग पीने का शौक था तो किसी बार गर्ल से जाके शादी कर लेते। हाँ सही है, उससे शादी कर रहा था, मजे में रहता मैं, घर पे नचाता, मेरा पैग बनाती,
उसमें पैसे लुटा था, खुद ही लूटता, कोई पुलिस का चक्कर नहीं, इंजॉय करते ना कोई रेड। बड़ा गर्व हो गया तेरे से शादी करके। मैं सच बता रही हूँ, तुमने एक और पैक पिया ना तो मैं पुलिस को बुला दूंगी। चल मैं दो पीता हूँ, तू आर्मी बुला, साली देखता हूँ। साले कही के जाके चखना ले गया। आज मैं टीवी पे अपनी फेवरेट फिल्म देखूंगा, मर्डर। ए जीजा, मर्डर तो तुम पहले भी 25 बार देख चुके हो जीजा। तो तेरे बाप का बिल आ रहा है बे, तेरे को नहीं पसंद मेरी मर्डर? तेरे को असली मर्डर करके दिखाऊं? घुमाऊं तेरी बहन के पेट में चाकू? घुमाऊं क्या? ऐसे खिलौने बाजार में बहुत मिल जाते हैं, लेकिन इसे चलाने के लिए एक जिगर की जरूरत पड़ती है, जो सिर्फ एक मर्द अपने सीने पर लेकर पैदा होता है। अबे तो तू ही मर्द है साले, हम लोग क्या स्कर्ट पहन के पैदा हुए थे बे? तो किस्मत ही फूट गई, कैसे शराबी से शादी कर लिए मैंने। ये शराबी किसको बोल रही है? अगर रात को सुकून के लिए चार पैग मार लिए तो क्या मैं शराबी हो गया? तेरे बाप के पैसे की नहीं पीता हूँ। नहीं, अगर तेरे बाप के पैसे की पीता हूँ तो गुस्सा करेगी। दीदी मेरे को इस आदमी से बहुत परेशानी है, ये दिन भर दारू पी के बकवास करता रहता है, ऊपर से इसकी बूढ़ी माँ खांसते खकारते रहती है, और इसका बाप भी ताने वीने देता रहता है। तू इतना परेशान है साले, अपने घर क्यों नहीं चला जाता बे? ए जीजा, ये हम लोग का घर है, तुम रह ले लो हमारे घर में। ए, तुम लोग भी क्या है शराबी की बातों में पड़ गए? क्यों सीरियसली ले रहे मेरे को? देखो मल्लिका, तुम्हें मेरी कसम शादी नहीं करना, जब भी करनी होगी मेरे को एक महीने का नोटिस देना, मैं अपनी पहली बीवी को तलाक दूंगा। अरे इन घरेलू औरतों को क्या पता है याशी क्या चीज होती है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, बहुत चढ़ गई है तुम्हें, मैं बता रही हूँ। ए चुप कर, जब एक शराबी और एक सेक्सी लड़की आपस में बात कर रहे हो बीच में नहीं बोलते। मैं बहुत बर्दाश्त नहीं कर सकती, इस घर में या तो ये रहेगा या मैं रहूंगी। तो मैं ही रहूंगा, तेरे को तो कोई भी रख लेगा। ए जीजा, क्या बे? ए जीजा, दीदी इस घर से नहीं जाएंगी, इस घर से तुम जाओगे जीजा। क्या बोला तूने? इस घर से दीदी नहीं, तुम जाओगे जीजा। ये बात बोलने से पहले चक्कू नहीं देखा किसके हाथ में? सालो ये जो 10-10 मिलते ना तुम्हें, 3-3 दे के भेजेगी तुम्हें वो रात को। 3-3 को ऐसे जोड़ भी लोगे तब भी 8 से ज्यादा नहीं बनेंगे। ए जीजा, निकल जाओ इस घर से, चक्कू इधर ही रखो। अबे चल रे, जाऊं फिर मैं? जाओ, देख ले। देख लिया, करो। देखा दीदी, जीजा को घर से बाहर निकाल दिया। वेरी गुड, चलो बैठ संभाल। ये जीजी, तुम काय को अपनी रिश्तेदारी के चक्कर में मेरा करियर खराब कर रहे लियो, मेरे से एक अकेले नहीं संभलता, तुम संभालो। ए ग्लैमर क्वेश्चन भी मैं लाऊं, एक्ट भी मैं संभालूं, तो तू क्या करेगा बे? अरे मैं कुछ नहीं करूंगा, जीजा को बुलाओ। अच्छा चल, बुला अपने जीजा को। जीजू, अब जीजा के पीछे बड़ी ऊ की मात्रा लगा रहे जीजू। तब तो मेरे को गालियां देते थे, और तू ग्लैमर लाती है शो में, 220 रुपए की साड़ी पहन के आ गई है, ग्लैमर लाती है शो में। 220 रुपए? आगे से मुझे तंग करोगे कभी? नहीं जीजू, माफ कर दो। ठीक है, जैसे तुमने अपने जीजू को रिस्पेक्ट दी, मैं भी अपने जीजू को रिस्पेक्ट देता हूँ। अर्जुन जीजू, प्लीज फॉरगिव देम एंड डू व्हाट एवर यू वांट विद अस। सोहेल कैसा लगा आपको? आप एक मिनट के लिए बाहर गए थे, उसकी वजह से इनका एक मार्क कट हो गया। अगर आप You all have to learn from this man. He is an absolute genius. Thank you, Sohail bhai. Archana, along with great talent comes great responsibility. तो कपिल, आपके ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी इन जोड़ीदारों के लिए। इस एक्ट में सरगुन और मोबिन आप अच्छे थे, लेकिन कपिल वंस अगेन यू हैव टेकन माई ब्रेथ अवे, यू वर सुपर। और आप गए स्टेज से, आए वापस, जो भी है, लेकिन इफ यू आर देयर इवन फॉर अ मिनट, आई थिंक यू डिजर्व दिस। मालिका, चांद के इंतजार में चांदनी सोई नहीं, सच कहती है मालिका, कपिल जैसा कोई नहीं।